हेलो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आप अपना ही चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है टफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। परसेंटेज में ही हम आगे पढ़ रहे हैं और लेक्चर 9 की तरफ आते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो रेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, थोड़ा नया टॉपिक हो गया आपके लिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये SSC और जो हाई लेवल के कहते हैं PU टाइप के बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा IAS PCS और स्टेट्स के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैट्स में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेगा और बेल आइकन दबाते रहिए। अच्छा, अब देर न करते हुए हम जल्दी से क्लास शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ। गीता परचेज अ होम फॉर ₹7.5 लाख एंड गिव इट ऑन रेंट। इसको मैं हिंदी में भी कह देता हूँ कि गीता ने 7.5 लाख का एक मकान खरीदा, उसको किराए पे दे दिया। सी स्पेंड 66.23% ऑफ मंथली रेंट ऑन मेंटेनेंस। उसने 66.23% जो मंथली रेंट था उसको मेंटेनेंस में खर्चा कर दिया, मतलब जो टूट फाट होती थी घर में उसको सही कराने में खर्च कर दिया। शी ऑल्सो स्पेंड ₹2,000 पर ईयर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जो अदर खर्चे थे मकान पे, मतलब जैसे कुछ नाली साफ कराना कुछ हो गया, उन सब पे, मतलब ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो गए, तो इस पे वो पर ईयर ₹2,000 खर्च कर देती थी। एंड शी वॉन्ट 6.23% पर एनम इनकम फ्रॉम होम। लेकिन वो चाहती थी कि उसे 6/2/3 से ही परसेंटेज का जो उसको इनकम है वो कहते हैं अपने उस जो मकान उसने खरीदा उससे उसको मिलती रहे। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी मंथली रेंट बताइए। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन तो आप बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका ईयरली रेंट मान लेते हैं कि ₹R है। अब क्वेश्चन कहता क्या है, अगर ईयरली रेंट ₹R है, ठीक है, मंथली रेंट की बात नहीं हो रही, ईयरली रेंट की बात हो रही है, तो ईयरली रेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि शी स्पेंड 66.23% ऑन मंथली रेंट ऑन मेंटेनेंस। तो जो 66.3% होता है वो 2/3 होता है। अब जिनको ये ना समझ में उनके लिए है कि इसमें आप गुणा कर लीजिए और उसको जोड़ दीजिए दो को, तो 200/3 हो जाएगा। अब परसेंटेज क्या होता है, 1/100 होता है, नीचे 100 आ गया तो ये कट पुट के 2/3 आ गया। तो ये क्या है, 2/3 क्या है मंथली, ये जो ओवरऑल उसको जो रेंट मिलता है उसका ये 2/3 है। तो ये क्या है, आपको उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद शी ऑल्सो स्पेंड ₹2,000 पर ईयर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये भी आपको घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो टोटल दाम होगा उस मकान का वो उसके बराबर हो जाएगा होगा। लेकिन साथ में वो क्या कह रहा है कि एंड शी वॉन्ट 6/2/3% पर एनम इनकम फ्रॉम होम, ठीक है। तो जो टोटल ये रेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, ये टोटल रेंट हो गया कटने पिटने के बाद, वो क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शी वॉन्ट्स 2/3% पर एनम इनकम फ्रॉम होम, उसको इतनी इनकम चाहिए चाहिए। तो ये क्वेश्चन में दे दिया, ई सब एक तरफ हो गया, ई सब अकेले हो गया, ठीक है। तो अब पर एनम इनकम फ्रॉम होम चाहिए, तो ये जो इनकम फ्रॉम होम निकालना है ये किस पे निकलेगा, ये जो इसकी टोटल कॉस्ट है उस पे ये निकलेगा। तो ये क्या है, 6/2/3% क्या हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/15 आ गया, ठीक है। तो ये मैं 20/3 × 100/100 कर दिया, तो 1/15 हो गया, ये समझाने के लिए लोग के लिए हो गया, ठीक है। अब 7.5 लाख, अब क्या है, 7.5 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ये चीज याद कर लीजिएगा, लाख में 5 जीरो होते हैं, 2, 4, 1, 5। जब ₹70 का होने लगेंगे तो याद आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब ये नीचे ये पॉइंट है, नीचे चला जाएगा, 10 हो गया, फिर क्या 15 नीचे है, ये कट पिट के 5, ये कितना आ जाएगा, 50,000 + 2,000, ये 5,200 आ जाएगा। और ये इधर सॉल्व कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा, जो 3R - 2R क्या है, R/3 हो जाएगा, और ये सब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये ईयरली रेंट आया, तो ये मंथली रेंट क्या हो जाएगा, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली रेंट निकलेगा, मंथली रेंट 13,000 है। इसका मतलब मकान थोड़ा इसको सस्ते मिल गया और रेंट अच्छा कमा रही है। ओके व्यूअर्स, बाय बाय। इस क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन दबाते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।